हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट 2D अरे। तो ये लेक्चर नंबर 17 है। पिछले लेक्चर नंबर 15 और 16 में मैंने आपको 1D अरे बताया था। तो 15 में 1D अरे का इंट्रोडक्शन दिया था, और 16 में बहुत सारे प्रोग्राम्स 1D अरे से रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। और इस वीडियो में हम 2D अरे का बेसिक और कुछ एग्जांपल्स एंड 3D अरे का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। 3D अरे जनरली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि 3D अरे अगर हमें प्रोसेस करना है तो कैसे होगा, तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नाउ पिछले वीडियो के एंड में मैंने एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था जो कि 1D अरे से रिलेटेड था, स्वैप ऑफ 2 1D अरे। तो उस वीडियो के लास्ट में पता नहीं क्यों ये चीज़ प्रॉपरली उसमें डिस्प्ले नहीं हो पाई है। तो अगर आपने वो वीडियो एंड तक देखा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर ये जो दो लूप है ये प्रॉपरली लिखने से पहले वो वीडियो एंड हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्वैपिंग का जो लॉजिक है उसके बाद फर्स्ट एरे जो कि ए है उसको प्रिंट कराना है, और देन बी एरे उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। और प्रिंट कराने से पहले ये जो लूप मैंने इम्प्लीमेंट किया था ये ए और बी की वैल्यूज को इंटरचेंज कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो मैं फर्स्ट एरे में एंटर कर रहा हूं 1, और सेकंड एरे में मैं सारे एलिमेंट्स एंटर कर रहा हूं 2। तो आप यहां पर देखोगे कि जो फर्स्ट एरे है वो तो डिस्प्ले कर रहा है 2, और जो सेकेंड एरे है वो डिस्प्ले कर रहा है 1। तो इस तरीके से जो 2 1D अरेज हैं उनके वैल्यूज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट उसमें प्रॉपरली डिस्प्लेड नहीं है, तो ये आप अगर आपने एंड वाला प्रोग्राम देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉल कर दिया। नाउ अब हमें 2D अरे को प्रॉपरली डिस्कस करना है। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे कोई भी डाउट डिस्कस करना चाहते हैं या डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये मेरी डिटेल्स है। तो नॉर्मली होता क्या है, वीडियो देखने के बाद बहुत सारे डाउट्स मन में आ जाते हैं, तो आप इन डिटेल्स के थ्रू मुझसे वो डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं 2D अरे। सो 2D अरे बेसिकली होता क्या है, तो जब मैंने आपको 1D अरे पढ़ाया था तो 1D अरे में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना होता है तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स ना बनाकर हम एक 1D अरे बना देते हैं। ठीक है, अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या आती है कि हमें बहुत सारे 1D अरे बनाने पड़ रहे हैं, तो हम बहुत सारे 1D अरे के लिए उतने ही वेरिएबल्स के नेम्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोई ऐसा तरीका कि हमें 1D अरे भी बहुत सारे ना बनाने पड़े और वो सब ग्रुप होकर एक एरे को फ्रेम कर दें, तो दैट इज पॉसिबल विद 2D अरे। तो जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, 2D अरे इज अ कलेक्शन ऑफ more than one 1D arrays. It is also known as collection of rows and columns. ठीक है, तो अगर आप declaration देखेंगे तो सबसे पहले हमें data type लिखना होता है, then हमें array का name mention करना होता है, then number of rows and number of columns. ठीक है, और ये इसका एक example है। Data type is int, array name is a, number of rows 3 and number of columns are 4. तो अब एक बार इसको थोड़ा सा practical aspect से देखते हैं कि ऐसा कैसे होगा कि बहुत सारे 1D अरे बनाने पर हमें 2D अरे की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तब सपोज करो कि एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं और हमें 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो आप क्या करेंगे, पहला 1D अरे बनाएंगे जिसका नाम होगा M1। तो M1 मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स, और कितने स्टूडेंट है 60, तो एरे का साइज आपने कितना लिया 60। सेकेंड के लिए फिर से M2 60, देन M3 60, देन M4 60, देन M5 60। तो आप देख रहे हैं कि मुझे जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने वेरिएबल्स यहां पर डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं। तो मैंने टोटल कितने 1D अरे बनाए, 6। और आपने देखा कि सबका जो डायमेंशन है वो फिक्स्ड है, मतलब 60 एलिमेंट्स अपन को हर 1D अरे में स्टोर करने हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 वेरिएबल M1, M2, M3, M4, M5, M6 इनको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज 6 सब्जेक्ट्स हो गए आपके एक ईयर या एक सेमेस्टर के, अगले ईयर या सेमेस्टर में और सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपके वेरिएबल्स और इंक्रीज हो जाएंगे। तो इन 1D अरेज को
ग्रुप करके एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2D एरे बना सकते हैं। तो अब देखो यहाँ कितने 1D एरे हैं, 6 1D एरे मतलब 6 रोज। तो अब जो 2D एरे हम बनाएंगे उसका नाम लिख देते हैं M, उसके नंबर ऑफ रोज कर देते हैं 6 और नंबर ऑफ कॉलम क्या कर देते हैं 60। तो ये 6x60 का एक मैट्रिक्स बन गया, 6 तो रोज और 60 उसमें कॉलम्स हो जाएंगे। तो एक ही वेरिएबल के थ्रू आप 6 सब्जेक्ट्स और उन 6 सब्जेक्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाली अप्रोच भी यूज कर सकते हैं अगर आपको वेरिएबल मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर अप्रोच कौन सा होगा, 2D अरे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट ऑफ 2D अरे कि 2D अरे का रिक्वायरमेंट क्यों है। तो अब आपको शायद एग्जांपल समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स होंगे, एंड जो सेकंड एग्जांपल है उसमें 2 रोज एंड हर रो में 3 कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, जैसे 3 × 4 12 एलिमेंट्स 2D अरे में स्टोर होंगे, देन 2 × 3 मतलब इसमें 6 एलिमेंट्स आप स्टोर कर पाएंगे। तो अब अगर अपन एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मैट्रिक्स टाइप का एक 2D अरे बनाया हुआ है। तो 2D अरे बेसिकली मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट होता है। तो ये एक्चुअली मेमोरी एलोकेशन नहीं है, क्योंकि 1D अरे के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि 2D अरे मेमोरी में कंटिन्यूसली एलोकेट होता है, या 1D अरे या कोई सा भी अरे, एरे को जो मेमोरी मिलती है वो कंटिन्यूसली मिलती है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक एरे है जिसका डायमेंशन 3 और 4 मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है, तो देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तो रोज आर हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, कॉलम्स आर वर्टिकल, ठीक। तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था इसमें डायमेंशन कितना है 6x60, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी 6 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे 60, ठीक। अब आप कहोगे कि हमें जैसे 1D एरे में आपको मैंने बताया था इंडेक्स, 1D एरे में क्या बताया था इंडेक्स, तो जिन्होंने भी 1D एरे वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को जरूर से देख ले, क्योंकि अगर 1D एरे की बहुत सारे टर्म्स मैं यहाँ पर यूज करूंगा अगर वो आपको नहीं मालूम है तो 2D एरे समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ तो आपको पहले नंबर पर जो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वो इस पूरी प्लेलिस्ट का सॉरी इस पूरी वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक है, जिसमें आपको 1D एरे के 2 वीडियो मिलेंगे, उनको देखने के बाद आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और उस प्लेलिस्ट के अलावा भी मैंने और प्लेलिस्ट डाली है जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही उसमें वीडियोज हैं, जैसे 1D एरे से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स, 2D एरे से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। देन तो मैं बात कर रहा था कि जैसे 1D एरे में हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना होता है तो हम एरे के नेम के साथ क्या यूज करते हैं, इंडेक्स, ठीक है। अब वहां पर एक ही रो होती थी तो इंडेक्स क्या होते थे 0 1 2 3 4, अब यहाँ पर बहुत सारी रोज हैं, तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो पर देखो एलिमेंट है 1, तो अब इस 1 को एक्सेस करना है तो आपको इसका रो इंडेक्स भी बताना पड़ेगा और कॉलम इंडेक्स भी बताना पड़ेगा। तो इसका रो इंडेक्स क्या है 0, इसका कॉलम इंडेक्स क्या है 0, तो अब ये जो लोकेशन है ये बन गई 0 0। तो जब आप इस लोकेशन को एक्सेस करेंगे तो आपको क्या लिखना होगा A 0 0। देन अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो इसका रो नंबर तो है 0 बट इसका कॉलम नंबर क्या है 1, तो इसका इंडेक्स क्या बन जाएगा 0 1। तो इस तरीके से आप किसी भी लोकेशन का इंडेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर हम इस लोकेशन की बात करें जहां पर 11 स्टोर्ड है तो इसका रो इंडेक्स 2 और इसका कॉलम इंडेक्स भी 2, तो इसका एक्सेस करने का जो इंडेक्स हुआ वो क्या हो जाएगा 2 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि 2D एरे को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रोज और कॉलम के थ्रू और इंडेक्स कैसे मेंटेन होते हैं। बट अगर हम मेमोरी एलोकेशन देखें जो एक्चुअली मेमोरी में आपको मिलेगा तो वो ये होता है, ये रो वाइज मेमोरी एलोकेशन है और आप इसको बोल सकते हैं कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। सो दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट रो के इंडेक्स 0 0 0 1 0 2 0 3, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 0 1 0 2 0 3, देन 1 0 1 1 1 2 1 3, देन 2 0 2 1 2 2 2 3, और जितने भी वैल्यूज है वो एक ही सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे स्टोर्ड, ठीक। तो समझने के लिए आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं बट एक्चुअली मेमोरी इस तरीके से एलोकेट होती है।
तो आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट जो 2D एरे मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो रो वाइज मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और कंटिन्यूअसली। तो अब इस तरीके से आपको ये डिक्लेरेशन समझ में आ गया होगा कि 2D एरे कैसे बनाना है, देन मेमोरी कैसे एलोकेट होती है वो चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको 1D एरे में भी बताया था, तीन चीजें होती है, ये लिखा int a, एक मैंने लिखा a equals to 5 और एक मैंने लिखा int let's say b equals to 5। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, क्योंकि यहां सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद अगर आप उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो ये हो जाता है असाइनमेंट ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया और डिक्लेरेशन टाइम पर ही उसमें वैल्यू भी असाइन कर दी, सो दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कि हमने वेरिएबल को पहली बार डिक्लेयर किया और डिक्लेरेशन टाइम पर ही उसमें कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक। तो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। तो अब हम देखते हैं कि 2D अरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। तो ये चीज मैंने 1D वाले वीडियो में बताया हुआ है कि 1D अरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं 2D अरे की। तो देखो फर्स्ट जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, रोज हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 6, तो ये वैलिड है। मतलब आपको जैसे 1D अरे में बताया था कि साइज से ज्यादा वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो 3 × 2 = 6, तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं प्रॉपरली स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का दिया हुआ है उसके लिए लिखा हुआ है नोट ओके, मतलब ये वैलिड नहीं है। क्यों? हमने रो तो बता दी 2, बट हमने क्या नहीं बताया, कॉलम। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 8, ये बोल रहा है कि 2 रोज बनेंगी, बट ये नहीं बताया कि हर रो में कितने कॉलम्स होंगे। तो 2 रोज, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक रो में 4 एलिमेंट, दूसरे रो में 4 एलिमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि एक रो में 5 एलिमेंट और दूसरे रो में 3 एलिमेंट। मतलब यहाँ ये नहीं पता चल रहा कि हर रो में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली डिवाइड नहीं हो सकता। तो सेकेंड वाली अप्रोच के प्लेस पर अगर आपको रो या कॉलम में से कुछ ब्लैंक छोड़ना है तो वो ब्लैंक क्या हो सकता है, रो साइज। कॉलम साइज आपको हमेशा फिक्स करना ही पड़ेगा। तो एक बार अगर आपने कॉलम साइज फिक्स कर दिया तो आप उतने एलिमेंट्स के पेयर बनाते जाओ, आपको रो साइज पता चल जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे कॉलम साइज है 3, तो 3 का एक पेयर बना मतलब फर्स्ट रो, फिर 3 का एक पेयर बना सेकेंड रो, फिर 2 का ही पेयर बना क्योंकि थर्ड वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो ये बन गया थर्ड रो। तो रो साइज कितना हो गया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। मतलब ये 3x3 का एक 2D अरे क्रिएट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसा कि नीचे नोट में भी लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन कॉलम साइज इज मस्ट बट रो साइज इज ऑप्शनल। तो थर्ड वाला एग्जाम्पल तो वैलिड है बट सेकेंड एग्जाम्पल इनवैलिड, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको जो चीज समझ में नहीं आई वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन के बाद अब बात करते हैं कि 2D अरे को रीड कैसे कराते हैं और प्रिंट कैसे कराते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2D अरे में मल्टीपल रोज होती हैं और मल्टीपल कॉलम्स, तो हमें अब यहाँ पर नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा। तो आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा नेस्टेड लूप का, जो कि 1D अरे के जस्ट पहले है, जिसमें मैंने पैटर्न्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स बताए। तो अब आपको अगर वो पैटर्न्स वाले प्रोग्राम का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको नेस्टेड लूप भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो भी आप देखें, तो प्रॉपर अगर आप सीरीज फॉलो करेंगे तो आपको एक के बाद चीजें एक समझ में आती जाएंगी। बट अगर रेंडमली आप कोई चीज देखते हैं तो आपको उसका जो बेसिक है वो पहले से पता होना चाहिए। तो आई होप कि जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा उसको नेस्टेड लूप पहले से पता होंगे, तो उनको मालूम होगा कि जो पहला लूप है उसको हम बोलते हैं आउटर लूप और जो दूसरा लूप है उसको बोलते हैं इनर लूप। जब आउटर लूप का एक रोटेशन चलता है तो इनर लूप अपना कंप्लीट रोटेशन फिनिश करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आई 0 है तो जे 0, 1, 2, 3 चार बार चलेगा, फिर जब आई 1 हो जाएगा तो जे फिर से चार बार चलेगा, फिर आई 2 होगा तो जे फिर से चार बार चलेगा। मतलब आउटर लूप जब एक बार चल रहा है तो इनर लूप अपना कंप्लीट रोटेशन फिनिश कर देता है। देन प्रिंटिंग के लिए भी हमने नेस्टेड लूप यूज किए हुए हैं।
ठीक है, तो अब मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 2D array को कैसे रीड करते हैं और कैसे उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले कराते हैं, ताकि आपको ये चीज प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। तो हम एक 2D array बनाते हैं जिसका डायमेंशन है 3x4। ठीक, तो अब आपको बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर अपन मेन पीपीटी पर चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको डिक्लेरेशन बता दिया, मेमोरी एलोकेशन बता दिया, इनिशियलाइजेशन बता दिया। अभी हम बात कर रहे हैं रीडिंग एंड प्रिंटिंग। रीडिंग एंड प्रिंटिंग बताने के बाद हम डायरेक्टली कहाँ चलेंगे, प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन पर। तो फर्स्ट प्रोग्राम है कैलकुलेट सम ऑफ ऑल वैल्यूज दोज आर अवेलेबल इन अ मैट्रिक्स। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले रीडिंग प्रिंटिंग को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने एक 2D array डिक्लेयर किया, अब मैं दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर कर रहा हूँ, आई जे जो कि लूप रोटेट करने के काम में आएंगे, देन प्रिंट एफ एंटर 3x4 मैट्रिक्स वैल्यूज। अब देखो फर्स्ट लूप चलाया, फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, देन आई लेस देन 3, तो जो आई वाला लूप है वो रो टाइम रिपीट होगा। उसके जस्ट नीचे एक और लूप चलाते हैं इनर लूप, वो कॉलम टाइम चलेगा। तो कॉलम की वैल्यू कितनी है 4, तो जे लूप को हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं 4 टाइम्स। फिर मैंने लिखा स्कैन एफ परसेंट डी एम्परसेंट। अब देखो यहां पर हम इंडेक्स लिख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 2D array के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे तो हमें कितने इंडेक्सेस मेंशन करने पड़ेंगे, दो इंडेक्स। एक इंडेक्स होगा रो के लिए और दूसरा इंडेक्स होगा कॉलम के लिए। तो रो इंडेक्स कौन बता रहा है, आई, और कॉलम इंडेक्स कौन बताएगा, जे। तब इसको अगर इटरेट करें तो आई 0 है, कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू अभी, फिर कंट्रोल आ जाएगा जे लूप पर। तो जे कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स, 0, 1, 2 और 3 के लिए। तो जब जे 4 बार रिपीट हो रहा होगा तो आई की वैल्यू तो 0 है जो कि फिक्स रहेगी। तो यहां पर जो इंडेक्सेज है वो क्या बन जाएंगे, जब ये फर्स्ट टाइम वैल्यू रीड करेगा तो ये बनेगा ए 0 1, जब ये सेकेंड वैल्यू रीड करेगा तो ये बन जाएगा ए, सॉरी ये बनेगा 0 0। फर्स्ट टाइम ये बनेगा ए 0 0, सेकेंड टाइम बनेगा 0 1, थर्ड टाइम बनेगा ए 0 2, एंड फोर्थ टाइम ये बन जाएगा ए 0 3। ठीक है, तो इस तरीके से जे लूप 4 बार 4 वैल्यू को रिपीट करेगा और चारों अलग अलग इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएंगे। जब जे की वैल्यू 4 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स, जब इनर लूप फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल किस पर जाएगा, आउटर लूप के इंक्रीमेंट पार्ट पर। तो आउटर लूप का जो आई वेरिएबल था उसकी पहले वैल्यू थी 0, अब क्या हो जाएगी 1। ठीक है, फिर ये अपनी कंडीशन चेक करेगा जो कि अभी ट्रू है, जब आई 1 होगा तो जे लूप अब फिर से 4 बार चलेगा, जब आई 1 है तो जे लूप फिर से कितनी बार चलेगा, 4 बार। तो जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, तो इट मींस जे वाली वैल्यू तो 0 1 2 3 रहेंगी, बट यहां पर आई वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब सेकेंड रो के इंडेक्स क्या होते हैं, 1 0 1 1 1 2 1 3। तो अगर आप डायग्राम में देखना चाहोगे सेकेंड रो के इंडेक्स, तो सेकेंड रो के इंडेक्स है 1 0 1 1 1 2 1 3। ठीक है, तो वही हमने यहाँ प्रोग्राम में लूप के थ्रू ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप आपके 2D array की वैल्यूज को रीड कर लेंगे। अब आप चाहते हैं कि जो मैंने वैल्यूज इनपुट कराई वो एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए और वो भी मेट्रिक्स फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम इन्हीं लूप्स को कॉपी कर लेते हैं। यहां पर एक मैसेज लिख देते हैं, यू हैव एंटर्ड, देन बैकस्लैश एन लगा दिया। अब आई और जे लूप एज इट इज चलेगा, स्कैन एफ की जगह आ जाएगा प्रिंट एफ परसेंट डी। ठीक है, अब यहां पर बैकस्लैश टी लगा देते हैं ताकि दो वैल्यूज के बीच में टैब स्पेस रहेगा, देन ए ऑफ आई जे। ठीक है, अब इनर लूप जब फिनिश हो जाएगा तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक रो प्रिंट कराने के बाद अगली वैल्यू न्यू रो में प्रिंट करानी है। ठीक, तो अब मुझे यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब फॉर लूप के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स रिपीट कराने, ग्रुपिंग करनी होती है तो आपको ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये इनर लूप के साथ सिर्फ यही प्रिंट एफ रिपीट होगा, तो जब इनर लूप फिनिश हो जाएगा और एक रो की सारी वैल्यू प्रिंट कर चुका होगा तो फिर ये जो प्रिंट एफ बैक स्लैश एन है ये कर्सर को न्यू लाइन पे लेकर आएगा और फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, फिर से ये अगली रो को प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद क्या होगा, न्यू लाइन पर कर्सर जाएगा और वो कर्सर न्यू लाइन पर आ जाएगा, मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा।
तो इस तरीके से 2D array read होगा और print हो जाएगा, इसको compile और run करके देखते हैं। तब देखो ये बोल रहा है enter a 3x4 matrix, तब मैं values enter करूँगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी मैंने गलत वैल्यूज एंटर कर दी, मुझे फर्स्ट रो में 4 वैल्यूज एंटर करनी थी, तो मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैंने 12 वैल्यूज एंटर की और वो भी मैंने मैट्रिक्स फॉर्मेट में डाल दी, तो आप ऐसे भी इनपुट करा सकते हो। अब देखो आउटपुट, यू हैव एंटर्ड, फर्स्ट रो में 1, 2, 3, 4 प्रिंट हुआ, फिर बैक स्लैश एन कर्सर न्यू लाइन में ले आया और फिर 5, 6, 7, 8 प्रिंट हुआ, 9, 10, 11, 12 प्रिंट हुआ, और बीच में जो स्पेस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टैब की वजह से, क्योंकि हमने ये जो प्रिंट एफ लिखा जो एक्चुअली वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है उसमें परसेंट डी के जज्बात क्या लिख दिया, टैब, तो एक टैब स्पेस हर बार प्रिंट हो। तो आई होप कि आपको 2D array का रीडिंग प्रिंटिंग समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से 2D array से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम है कैलकुलेट सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो बहुत ही ईजी होगा। तो बहुत सारी चीजें 1D array से रिलेटेड है, 1D array में जैसे हमने a ऑफ i लिखा था हर बार, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, a ऑफ ij। रीडिंग प्रिंटिंग आपको समझ आ ही चुका है, तो कैलकुलेट सम ऑफ 2D array, तो ये अपना 2D array ij। अब यहाँ एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं, सम इक्वल्स टू 0, एरे को रीड किया। अब मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि 1D array के टाइम पर भी बताया था कि हम चाहें तो प्रोसेस रीडिंग के टाइम भी कर सकते हैं या अलग से भी दो लूप चलाकर कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार होता है कि रीडिंग वाले लूप के अंदर आप प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, जैसा कि 1D array में हमने लीनियर सर्च में किया था, लीनियर सर्च में सर्चिंग प्रोसेस के लिए अलग से लूप चलाया था, ठीक है, बट एडिशन हमने उसी लूप में कर लिया था, तो वो यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ जिससे हम ग्रुपिंग कर पाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे ही ये लूप चलेगा और वैल्यू स्कैन होगी तो मुझे यहीं पर एडिशन भी परफॉर्म करना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई जे, ठीक। तो अब आपको ये तो समझ ही आ गया कि ये इनर लूप है, वैल्यू रीड करेगा और उसको सम में ऐड करा देगा, जब इनर लूप फिनिश हो जाएगा तो आउटर लूप इंक्रीज होगा, फिर से इनर लूप चार बार चलेगा और फिर नई 4 वैल्यूज को एंटर करा के और ऐड कर देगा। जब दोनों लूप खत्म हो जाएंगे तो जो भी एलिमेंट्स 2D array में अवेलेबल थे उन सभी का सम किसके पास अवेलेबल होगा, सम वेरिएबल के पास, तो उसको अपन यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे, सम इक्वल्स टू परसेंट डी सम, ठीक है। तो ये अभी 12 वैल्यूज को रीड करेगा और उन सबका सम आपको डिस्प्ले कराएगा, बट यहाँ पर 2D array जो हम इनपुट कराएंगे वो वापस से डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने वो जो प्रिंटिंग का लूप था उसको हटा दिया था। तो देखो 78, 1 से लेकर 12 तक जो वैल्यूज है अगर उनको आप ऐड करेंगे तो उनका टोटल कितना आएगा, 78। और अगर आपको इसको और इजीली टेस्ट करना है तो हम हर एलिमेंट को एज 1 एंटर करा देते हैं। तो हमने टोटल 12 वैल्यूज एंटर कराई एज अ 1, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी वैल्यूज हमने एंटर कराई हैं वो 1 है, तो टोटल 12 वैल्यूज है, इसलिए सम भी कितना आ गया, 12। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज अवेलेबल थी उन सबको ऐड कर दिया। देन अगला प्रोग्राम कहता है सम ऑफ इंडिविजुअल रोज कॉलम्स एंड डायगनल। तो अब यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है डायगनल, तो डायगनल के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स है उसके रो और कॉलम का साइज इक्वल हो, ठीक। बट अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल रोज और कॉलम का सम करना है, डायगनल सम नहीं करना है, तो फिर रो और कॉलम का साइज डिफरेंट हो सकता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो रो और कॉलम का एडिशन करने के लिए अपन वेरिएबल बना देते हैं, S1 फॉर रो सम, S2 फॉर कॉलम सम, S3 फॉर रो सम, सॉरी डायगनल सम। सो ये रो का सम स्टोर करेगा, ये कॉलम का सम और ये डायगनल सम। देन हमने रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, स्कैन किया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये तो हो जाएगा 3, 3, यहाँ मैं लिख रहा हूँ S1 इक्वल्स टू S1 प्लस A ऑफ IJ, देन S2 इक्वल्स टू, अब इसमें क्या करते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं, अलग अलग लूप चलाते हैं, रीडिंग के लिए अलग लूप,
और प्रोसेसिंग के लिए अलग, क्योंकि हमें सम प्रिंट भी कराना है। तो अब ये जो प्रोसेस है इसमें रीडिंग के साथ आप कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहां पर इनको पेस्ट कर दिया। तो अब देखो ये रीडिंग वाला सेक्शन है जो सारे 12 या 9 एलिमेंट्स, क्योंकि अब 3x3 मैट्रिक्स है तो टोटल 9 एलिमेंट्स को ये रीड करेगा। अब हमें यहाँ पे सम भी कराना है और प्रिंट भी कराना है। तो अब इंडिविजुअल रोज का सम प्रिंट कराना है तो तीन सम प्रिंट होंगे, तीन अलग अलग रो के। तीन कॉलम है तो तीन सम तीन कॉलम के प्रिंट होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, S1 और S2 को यहाँ पर भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है S1 equals to S1 plus A of IJ, और कॉलम सम के लिए लिख रहे हैं S2 equals to S2 plus A of JI। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा, इनर लूप जब खत्म होगा तब हम रो और कॉलम का सम प्रिंट करा देंगे। तो फर्स्ट रो का सम प्रिंट कराना है, तो अब देखो फर्स्ट रो का जो सम है वो S1 में आया और फर्स्ट कॉलम का सम S2 के अंदर आया। तो अपन लिखते हैं %D सम इक्वल्स टू %D, देन यहाँ लिखा i+1, S1, ठीक है। इसी को कॉपी किया, %D कॉलम सम, और ये प्रिंट हो जाएगा S2 के थ्रू, ठीक। एंड इसी के अंदर एक इफ कंडीशन लगाते हैं i=J, जब रो और कॉलम इक्वल हैं तब हम करेंगे S3=S3+A(i)j। तो डायगनल किस केस में बनता है, जब रो और कॉलम सेम होते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये डायगनल वाली सिचुएशन होती है। तो अभी के लिए इस वाले पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ 3x3 पे फोकस करो। तो देखो 1 का इंडेक्स है 0, 0, 6 का इंडेक्स है 1, 1, और 11 का इंडेक्स है 2, 2। तो जो डायगनल पोजीशन पर वैल्यू होती है उनके इंडेक्स सेम होता है। तो अगर आई और जे की वैल्यू सेम है, इट मींस दोनों के सेम इंडेक्स है, मतलब वो डायगनल लोकेशन है। तो हमने उसको यहाँ पे ऐड करा दिया। रो के लिए नॉर्मली AIJ यूज किया है, और कॉलम के लिए क्या यूज कर लिया, JI। तो कॉलम की अगर बात करें तो देखो ये अगर फर्स्ट कॉलम है 159, ये अगर फर्स्ट कॉलम है, कलर चेंज कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये अगर फर्स्ट कॉलम की हम बात कर रहे हैं तो इसके इंडेक्स क्या है, 0, 0, 1, 0, 2, 0, ठीक है, 0, 0, 1, 0, 2, 0। तो अगर आप प्रोग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर इंडेक्सेस क्या बनेंगे, फर्स्ट टाइम जे 0 होगा, आई भी 0 होगा, फिर अगली बार क्या होगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, आई 0 ही रहेगा। तो ये इंडेक्स क्या बनाएगा, 1, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जे को पहले लिखा है, आई को बाद में। तो अगर आपको रो एक्सेस करना है तो आई जे लिखो, कॉलम एक्सेस करना है तो क्या लिख सकते हो, जे आई। तो इस तरीके से जैसे ही ये इनर लूप खत्म होगा तो एक रो और एक कॉलम का सम हो जाएगा। तो हमने उसको यहाँ डिस्प्ले भी करा दिया। फिर जब ये लूप फिर से स्टार्ट होगा तो S1 और S2 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड रो का जब सम करना है तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के सम से पहले वो वापस से जीरो से रीसेट होना जरूरी है। एंड जब दोनों लूप खत्म हो जाएंगे तब हम प्रिंट करेंगे डायगनल सम। तो आप लिखोगे printf डायगनल सम इक्वल्स टू %D S3, और इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल रो कॉलम और डायगनल का सम स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो अब अपन क्या करें, इनपुट कराते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट रो का सम, फर्स्ट रो है 1, 2, 3, तो 1+2+3 कितना आ गया, 6। फर्स्ट कॉलम का सम, तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है 1, 4 और 7, सो 1, 4, 5, 7, 12, तो ये भी सही आ रहा है। देन सेकेंड रो का सम, सेकेंड रो है 4, 5, 6, अगर 4, 5, 6 को आप ऐड करेंगे तो 4+5+6, 9+6, 15, तो ये सही आ रहा है। और यहाँ सेकेंड कॉलम है 2, 5, 9, तो अगर ऐड करोगे तो ये भी 15 आएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर है आउटपुट। डायगनल वैल्यूज है 1, 5, 9, तो अगर इनको भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 15। तो इस तरीके से
इंडिविजुअल रोज, इंडिविजुअल कॉलम और डायगनल तीनों का सम आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा पा रहे हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज इसमें से रिमूव करनी है तो वो वाला स्टेटमेंट हटा सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये रो सम कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये कॉलम सम के लिए है, एंड ये जो इफ कंडीशन हमने लगाई है ये डायगनल सम के लिए। तो जो चीज आपको रिमूव करनी है उसको हटा दीजिए, उससे रिलेटेड प्रिंट एफ को हटा सकते हो, तो आप एक पर्टिकुलर चीज को भी प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले प्रोग्राम की, तो वो है प्रिंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही सिंपल होगा। तो रीडिंग अब आपको समझ में आ ही चुका है, हमें सिर्फ ट्रांसपोज प्रिंट कराना है। तो प्रिंट ट्रांसपोज ऑफ 2D एरे, अब ये सारे वेरिएबल्स हटा दो। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने अभी बताया ही था कि हम ए ऑफ आई जे की जगह ए ऑफ जे आई लिख सकते हैं, तो वही चीज अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस प्रिंट एफ के अंदर मैं लिख रहा हूं परसेंट डी / टी ए ऑफ जे आई, तो इससे ट्रांसपोज प्रिंट हो जाएगा। और यहां पर ये जो चीज लिखी हुई है इसको इरेज कर देते हैं, सिर्फ / एन को रखेंगे क्योंकि हमें न्यू लाइन में वैल्यू प्रिंट करानी है। तो ये ट्रांसपोज प्रिंटिंग के लिए हमने यहाँ पे पैटर्न लिखा है, मतलब नेस्टेड लूप लिखा है। तो नॉर्मल प्रिंट कराने के लिए ए आई जे लिखते हैं, उसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज प्रिंट करना है तो आपको सिंपली ए जी आई लिखना होगा, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, तब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब आप देख सकते हो रो है 1, 2, 3 जो कि अब कॉलम फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पर रो है 4, 5, 6 जो कि कॉलम है, 7, 8, 9 वो भी कॉलम है। अगर यहाँ कॉलम पिक करना है 1, 4, 7 तो वो आप देख सकते हो रो फॉर्म में प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी 2D एरे का ट्रांसपोज इजीली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर साइज डिफरेंट है 3x4 होता तो आपको वो चेंज करना पड़ता, मतलब यहाँ 4 और यहाँ 3 इस तरीके से मेंशन करके उसको भी रन कर सकते हैं। तो ये चीज आप अपने सेल्फ ट्राई करिएगा, डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब लास्ट प्रोग्राम बचता है 2D एरे में मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ आपको कि हमने डायगनल सम किया था दो लूप चलाकर, अब मैं आपको डायगनल सम करना बताता हूँ एक ही लूप से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, कई कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि डायगनल सम करना है, दो लूप नहीं चलाना है, एक ही लूप से करना है, तो आप क्या करोगे, ये लिख सकते हो। आपको इतना ईजी, मैंने यहाँ दोनों इंडेक्स क्या कर दिए, आई आई। तो मैंने आपको बताया था कि डायगनल के जो इंडेक्स हैं वो सेम होते हैं, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो जब आई 0 होगा तो यहाँ 0, 0 आ जाएगा, जब आई 1 होगा तो 1, 1। तो पहले ए 0, 0 इंडेक्स एस में ऐड हो जाएगा, फिर डायरेक्टली ए 1, 1 इंडेक्स ऐड हो जाएगा। तो हमने डायरेक्टली उन्हीं इंडेक्स को उठा लिया कि जो डायगनल पोजिशन पर अवेलेबल है, और फिर आप इसको प्रिंट करा दो। तो अब अगर इसको यहाँ पर हटा देते हैं, देखो डायगनल वैल्यूज क्या है, 159 और टोटल कितना आ रहा है 15, जो कि करेक्ट है। तो ये एक ही लूप के थ्रू डायगनल सम, तो बहुत इजी है। अब बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो अब इसके लिए हमें 3 2D एरे बनाने पड़ेंगे। तो पहला 2D एरे बना हुआ है, ये मैंने बनाया दूसरा 2D एरे, और ये मैंने बना दिया तीसरा 2D एरे। तो हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट 3x3 मैट्रिक्स वैल्यूज, इसी को कॉपी किया, देन पेस्ट, तो ये हो जाएगा एंटर सेकंड। यहाँ पर इसको चेंज किया, ये हटाए, फिर से पेस्ट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सम कराने के साथ साथ ही प्रिंट भी करा दूंगा। सो हम लिखते हैं सम ऑफ सम स्टोर्ड इन थर्ड मैट्रिक्स,
ठीक है, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एडिशन परफॉर्म करना है। तो वहां पर आप लिखोगे सी आई जे इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, अब जैसे जैसे वैल्यूज ऐड होती जाएंगी आप उनको प्रिंट भी करा दो। तो यहां पर लिखेंगे परसेंट डी बैक स्लैश टी एंड प्रिंट किसे कराना है, सी आई जी, क्योंकि वैल्यू तो सी में स्टोर्ड है। और जब ये इनर लूप खत्म हो जाएगा तब हमें न्यू लाइन पर जाना है, क्योंकि हम मैट्रिक्स फॉर्मेट प्रिंट करना चाहते हैं, अलग अलग लाइन में रिजल्ट आना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये लिख दिया। तो ये बेसिकली जो लूप का कॉम्बिनेशन है नेस्टेड लूप, वो आपके टू मैट्रिक्स का सम थर्ड में स्टोर करेगा और हाथों हाथ उसको प्रिंट भी कर देगा। और आप चाहते हैं कि सम के लिए अलग दो लूप चले और प्रिंटिंग के लिए अलग से दो लूप चले तो वो भी पॉसिबल है। उस केस में ये जो प्रिंट एफ और ये जो प्रिंट एफ है इनको यहाँ से हटाओ, दो नए लूप लगाकर और सेम फॉर्मेट के अंदर उनको मेंशन कर सकते हो। बट जितने कम लूप से आपका काम होता है उतना बेनिफिशियल रहता है। तो अब देखो एंटर फर्स्ट 3x3 मैट्रिक्स वैल्यूज, तो यहाँ पर एंटर करा देते हैं 1। दूसरा पूछ रहा है इसमें डाल देते हैं 4। आउटपुट कितना आना चाहिए, 5। तो आप देख सकते हो थर्ड मैट्रिक्स के हर एलिमेंट पर कितना है, 5। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो यहां पर सम की जगह क्या लिख दोगे, सब्ट्रैक्शन, और प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस। तो जो आपने इनपुट कराया उसका डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे कि अभी यहां लिख देते हैं 4, दूसरे में डाल देते हैं 2। तो आउटपुट में कितना आ गया, 2। आप चाहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ प्रिंट हो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो। तो ऊपर वाले को तो सम बना देते हैं और नीचे पे डाल देते हैं सब्ट्रैक्शन। तो अब यहां पे अगर हम वैल्यूज इनपुट करेंगे तो लेट से 4 यहां हमने डाला 2, देखो सम तो आ गया 6 और डिफरेंस था 2 का, तो वो आ गया। तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन या और भी बहुत सारे टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि 2D array के और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको समझने हैं, तो अगर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पहली जो प्लेलिस्ट है वो तो इस पूरी वीडियो सीरीज का लिंक है। उसके अलावा आप देखिएगा कहीं पर लिखा होगा कि 2D array programs in C, तो उसमें 2D array से रिलेटेड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आपको 2D array का बेसिक समझ में आ गया होगा, तो अब आप उन टफ प्रोग्राम्स को भी समझ सकते हो। अब बात करते हैं 3D array की। तो 3D array बहुत ही सिंपल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1D array जब हम बनाते हैं तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स को कलेक्टिवली एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। जब हम 2D array बनाते हैं तो हमने क्या किया, 1D array को, बहुत सारे 1D array को एक ही 2D array के अंदर स्टोर करा दिया। अब बहुत सारे 2D array हैं तो आप क्या बना सकते हो, एक 3D array। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर कितने 2D array हैं, 3। तो हम इन तीनों 2D arrays को कंबाइन करके एक 1D array बना सकते हैं। कैसे बनेगा, int a 3 3 3। तो देखो यहाँ पर जो ये डायमेंशन है 3 3, ये तो है रोज एंड कॉलम्स। और कितने 2D array बनेंगे वो कौन बता रहा है, फर्स्ट डायमेंशन। ठीक, अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ 4, तो इसका मतलब 3 2D array बनेंगे और उनका डायमेंशन होगा 3/4। अगर मैं इस 3 को 2 कर देता हूँ तो इसका मतलब 2 2D array बनेंगे जिनका डायमेंशन होगा 3/4। तो इस तरीके से इनको प्रोसेस करना है। और जो वेरिएबल हैं वो अब 3 हो जाएंगे, आई जे और के। और अगर हम इसके रीडिंग और प्रिंटिंग की बात करें, रीडिंग प्रिंटिंग की बात करें तो यहां पर एक लूप और ऐड कर दो, के लेस देन इक्वल्स टू 4 के प्लस प्लस, और यहां पर आ जाएगा ए आई जे के। आप यहाँ पे डायमेंशन करते हैं 3, तो ये क्या बन गया, 3 2D array 3/3 4, 3/4 साइज के।
तो 3/4 का एक 2D array बनेगा, तो टोटल 12 एलिमेंट्स, और ऐसे तीन मतलब 12 × 3, 36 वैल्यूज अब आपको यहाँ पे स्टोर करानी पड़ेगी। तो अपन इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं, इसको कर दिया 2, इसको भी कर दिया 2, इसको कर दिया 3, तो अब 3 × 2 6 एंड × 2 12, टोटल 12 एलिमेंट्स अपन को एंटर कराने हैं। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमें इनको प्रिंट कराना है। तो देखो, दो 2D अरे हैं जिनका डायमेंशन है 2/3, तो अब इसकी प्रिंटिंग भी आपको स्मार्टली करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जे लूप चल रहा है, अब ये जो आउटर लूप है वो तो बताएगा कितने 2D अरे हैं। 2D अरे एक्चुअली प्रिंट होगा जे और के कॉम्बिनेशन से। तो अब अपन इस वाली लाइन को हटा देते हैं, इसके अंदर एक और लूप चलाते हैं के, जो कि 3 टाइम चलेगा। ये एक्चुअली प्रिंटिंग का काम करेगा। तो ये 2 टाइम चल रहा है, इसको भी 2 टाइम चलाते हैं, और ये 3 टाइम, और यहां पर आ जाएगा जे के, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब ये 2D array को प्रिंट कराएगा, तो इसके बाद स्लैश एन लगा देते हैं। ठीक, तो जब ये एक 2D array को प्रिंट करा चुका होगा, तब हमें फिर एक और 2D array प्रिंट कराना है। तो मैं उसके गैप के लिए यहाँ पर 2-3 बैक स्लैश एन लगाया था, जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये 3D array बेसिकली हमने रीडिंग और प्रिंटिंग के थ्रू परफॉर्म कराया। तो अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये मैंने बहुत बेसिक चीज बताई है, जब आप इसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो, अच्छा ये मैसेज मैंने मॉडिफाई नहीं किया, इसको भी मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंटर 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है, दो 2D अरे हम रीड कराएंगे, और उनको रीड करा रहे हैं हम 3D अरे के अंदर। ठीक, तो पहला 2D अरे जिसका डायमेंशन कितना है 2/3, तो ये 2/3, ये फर्स्ट 2D अरे रीड हो चुका है। फिर मैं सेकंड 2D अरे डाल रहा हूँ, जिसमें 4, 5, 6। ठीक है, अब आउटपुट देखिएगा। ओ, मैंने कुछ मिस्टेक की है। तो मिस्टेक क्या की, मैंने यहाँ आई नहीं लिखा, क्योंकि हमें जो कौन से नंबर का 2D array है वो भी बताना है, तो वो इसके थ्रू पता चलेगा। तो जब प्रिंटिंग करते हैं तो भी आपको 3 डायमेंशंस ही यूज करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 1 2 3, ये पहला 2D array, देन 4 5 6 4 5 6। आप देख सकते हो फर्स्ट 2D array 1 2 3 1 2 3 प्रिंट हुआ, देन मैंने 3 बार बैक स्लैश एन लगाया था, तो इतना स्पेस, और फिर ये दूसरा 2D array। तो आपने देखा कि मैंने 2D array को किसके थ्रू मैनेज करा लिया, 3D array के थ्रू। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में जो टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करने थे वो सब कंप्लीट कर दिए। आगे जो अब अगला वीडियो होगा, उसमें हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको 2D array से समझ में आ गया होगा, और अगर 1D array वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा, ताकि आपको 1D, 2D और 3D तीनों एरे की वर्किंग समझ में आ जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरी वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, और उसके अलावा आपको इंडिविजुअल प्लेलिस्ट लिंक और मिलेंगे, जो कि 1D, 2D, स्ट्रिंग इन प्रोग्राम से रिलेटेड प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो उसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम्स और देख सकते हो, एंड दीज आर माई डिटेल्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को देख ये 1D array, 2D array, स्ट्रिंग, ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं अगर आप बिगिनर हैं तो, और आपको बहुत सारे डाउट्स भी मन में आ रहे होंगे, तो आप मुझसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 18 होगा, और उसमें मैं आपको स्ट्रिंग एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।